है शहरी बाबू, सैलाब आना चाहिए, दरिया में सैलाब आना बंद हो जाए तो काश्तकारी आगे नहीं बढ़ती, लोग उसे मोटा दरिया कहने लगते हैं शहरी बाबू, मोटा दरिया। जिम्मेदार भी एक सैलाब होता है, अगर इसमें सैलाब आना बंद हो जाए, अगर ये मौज में आकर अपने किनारे का तरह छोड़ दे तो जिम्मेदारी आगे भी बढ़ती, तो याद भी दरिया का दबदबा होती है, दबदबा होती है शहरी बाबू, कमजोर लोगों की लाठी होती है जिसके सहारे वो हमारे सामने चलते हैं, सर झुका कर जहां चला जा और दुआ दे अपनी हकलाती हुई आशी को जिसके सहारे तू ये दरिया पार कर गया है, वरना मैं तो वो दरिया हूं जिसके आगे भागने की सोचने वाले को भी भाग ले जाता हूं। जा चला जा, जा चला जा। बस बस क्या बस, मैं इतना ख्याल ना कर रहा, एक और खा ठीक है, मैं एक और खा लेता हूँ, अली गुठिया है ना, मैं ये जेब में रखता हूँ, ये मैं बहुत दिन को तोड़ के इनकी गिरिया खाऊंगा। बेचारा पागल हो, एक मिनट यार, मुझे लगता है मैंने इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है जहां पछाड़ा ये। याद आया याद आया याद आया, मैं इसे जानता हूँ, मैंने उसे देखा हुआ है। बाप बाप ये खंभों पर, इसके ना दो इधर सरोड़ी के नीचे हड्डिया लगी होती है, नीचे दिखाओ है खतरा 440 वोल्ट, खतरा 440 वोल्ट, खतरा 440 वोल्ट। कुछ करें इनके लिए सर। शाहजी क्या करें इनके लिए? कुछ भी करें इन बेचारों के लिए सर। शाहजी ये बेचारे, अरे ये तो ले डूबे थे मोहम्मद रफी को, ये तो वही सख्त जान निकला जो बच गया इनसे, और ना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रात रात भर रोते रहते हैं सर, क्या बताऊं। शाहजी आप मुझे कुछ मत बताएं और इन्हें रोने, ट्राली वाला मामला झूठा सही मगर मोहम्मद रफीक वाला मामला झूठा नहीं है शाहजी। वो तो है सर, वो है तो शाहजी ये भी है। ये बशीरे और नजीरे का क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा चौधरी जी, आखिर सारी उम्र उन्होंने खिदमत की है आपकी, सारी उम्र खिदमत की है वो मेरी जी सर, उनकों काम चोरों और हराम खोरों ने अपनी खिदमत की है सारी उम्र, खबरदार जो आइंदा ऐसी बात लाया जुबान पर, जुबान बुद्धि से खैच लूंगा।
खिदमत की है उन्होंने, मेरी और तुमने भी अपनी खिदमत की है सारी उम्र तुमने। अरे लाखू जी खुदरा खिदमत तो कर मुंशी की। अगला खुदा के लिए मुझे इससे बचा लीजिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं और हम हो रहे वो भी मैं भी। शौकत ने एक मिनट दो चाय बहुत अच्छी सी जल्दी ओके बोलो क्या बात है शौकत ये तुम मुझे कहां ले आए और वो भी इस हालत में मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही है शौकत। देखो इंसान के साथ जिंदगी में ऊंच नीच तो होती रहती है तो इसका मतलब है कि इंसान दिल पर लगाकर घर पे बैठे नहीं। अगर इंसान जिंदा है तो जिंदगी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिंदगी के साथ चलना चाहिए। शौकत मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। अगर तुम चाहो तो तुम ठीक हो सकती हो तो तुम्हारा मतलब है कि मैं ठीक नहीं होना चाहती। बहुत सच्चे हैं हमारे दुख और हमें हमारे दुख अपने चाहने वालों से ज्यादा प्यारे हैं। जेबा शहर से लोग आ रहे हैं, मस्जिद और मदरसे की तामीर शुरू होने वाली है। साथी कहीं जी? हाँ सुना तो यही अकीम जी, मस्जिद की तामीर का आगाज तो अजान देकर किया जाता है ना? हाँ ताकि लोग भलाई के काम में शरीक हो सकें अपनी अपनी तौकीद के मुताबिक। हाँ आओ आओ भलाई की तरफ आओ, आओ आओ भलाई की तरफ आओ। देहात में मस्जिद की तमीर का आगाज किसी तरह किया जाता है ताकि वो लोग भी भलाई के काम में शरीक हो सकें जिनके पास उस कार्य खैर के लिए पैसा तो नहीं है मगर जज्बा ईमानी मौजूद है। क्या मतलब नहीं है? मतलब ये कि वो लोग भी इस काम में शरीक हो सकते हैं जो बगैर किसी मुआवजे के मिट्टी उठा सकें, ईंटें उठा सकें, कोदाल चला लें, गारा बना लें या सरिया मोड़ लें। और अकीम साहब और अगर के इस कार्य शहर में शरीक लोगों का वक्त बचाने के लिए बिला मुआवजा काम करने वालों की तवानाई बहाल रखने के लिए उनको पानी पिलाने और उनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी उठा ली। जी मैं धूमधाम से दूरी करूंगा, गारा बनाऊंगा, ईंटें उठाऊंगा और इन दो हाथों से जो काम हो सकता है मैं वो करूंगा। शाबाश।
शाबाश, मुझे पानी भी पिलाऊंगा। बढ़ चुकी ये मस्जिद भी और बढ़ चुका ये मदरसा भी। जिस गांव में एक से ज्यादा हाथ हो ना, वो कभी पूरा नहीं होता। तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि ये मस्जिद भी बन के रहेगी और मदरसा भी? मुंशी, कभी ऐसा नहीं हो सकता। और जिस काम में ज्यादा तमाम शामिल होना, वो शुरू ही नहीं होता। वह बनना तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की। तो फिर की लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं जी? है अगर वो ये ना सोचे तो जिए कैसे? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब एक दिन चौधरी मर जाएगा, चौधरी मर जाएगा तो क्या उनकी बद्दुआओं से मर जाएगा? मौत आएगी तो चौधरी मर का फिलहाल चौधरी खुद मौत बनकर लड़ रहा है उनके सरों पर। उन्हें दूर कद्दू जितने बड़े सरों वालों ने समझ तो अरे तरबूज खरबूजे इस्लाम में किसी पुरोहितों काहिनों और राहिबों की तो गुंजाइश है ही नहीं। हमें चाहिए कि जो भी किसी से कुछ कहे कि आगे आइए हजरत, वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के इमामत करा दे, आगे बढ़े और बढ़ के आसान दे दे। इसके लिए किसी खास पेशावर आदमी की जरूरत नहीं है। भाई मजहब तो पेशा बन ही नहीं सकता। इसीलिए इस्लाम में किसी पापाइयत या कठमुलाइयत की गुंजाइश है ही। क्या भाई दे सकते हो आसान? क्यों नहीं दे सकते? 2000% शौक हो कोई देखना। हमारा और हमारा अमल हर वक्त बुखार बुखार कर बताता है कि वो क्या है और हम क्या है। हमारी आजिजी पुकार पुकार कर उसकी बड़ाई का ऐलान करती है और हमारा किरदार और हमारा हर अमल लोगों को भलाई की तरफ बुलाता है, इस्लाह की तरफ बुलाता है। क्यों भाई, बुलाता ही नहीं? बिल्कुल बुलाता है, बुलाता है, बेशक बुलाता है। मगर आप जैसे लोगों का किरदार बिलाशुबा एक मुस्तकिल और मुसलसल अजान है अहले दिल के लिए। हम तो गुनाहगार नहीं, 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 नहीं। आगे कुछ न कहना भाई, तुम्हारा गुनाह से क्या वास्ता है? तुम्हारा गुनाह से क्या इलाका भाई? तुम अच्छे लोगों की औलाद हो, अच्छे लोगों के दामाद हो। अल्लाह ताला तुम्हें नेक और साले औलाद अता करे। देखो नाशुक्री नहीं किया कर। भाई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अच्छे से अच्छा अमल करो लेकिन उसे अकेले ही गर्दानो, इसलिए कि यही भलाई का रास्ता है। अपने अमल से, अपने किरदार से उनको भलाई की तरफ बुलाते रहो, इस्लाह की तरफ बुलाते रहो। अजान दो अपने किरदार की जबानी भी और बुलंद आवाज से भी। सूफी साहब, मैं अजान दूंगा और पूरे जोर से दूंगा। माशाल्लाह,
माशाल्लाह। सूफी साहब, क्या आपका ताल्लुक फिरोजावादी से? हाँ बेटा, लेकिन क्यों? मेरा भी ताल्लुक उसी गांव से है। अच्छा, किसके बेटे हो? मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा। चलिए जी, इतनी आसियत लहजे में किसकी शिकायत लगाने आया तू? शिकायत लगाने नहीं आया चौधरी जी, कुछ बताने आया। हमारे गांव की तरफ कारों पे कारें आ रही थी। लेकिन रुक नहीं रही है चौधरी जी। ओ फिर चौधरी जी, मुझे लग रहा है कि ये पट्टे वाले डेरे की तरफ जा रही है जी। तो तुझे इससे क्या? चौधरी जी, मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन आपको तो फिक्र है ना अपनी जमीन के 400 मरब्बे पूरे करने की। हाँ तो कुछ झूठ भी क्या कहना चाहता है? बक भी लाख जी। चौधरी चौधरी जी, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये अल्लाह दिता की जमीन पे कुछ न कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? और रातों रात उधर मस्जिद तामीर करने वाले हैं, या रातों रात पूरे घरों को नमाज रोजे का पाबंद करने वाले हैं? ये क्या? मेरी इतला के मुताबिक शहर से कुछ मौलवी आ रहे हैं। वो चौधरी अल्लाह दिता के खेतों पे पहले अजान देंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर मस्जिद की खुदाई शुरू कर देंगे। वो तो ठीक है, उसकी जमीन खाली पड़ी है, मगर ना उधर ईंटे हैं, ना रेत है, ना सीमेंट है, ना सरिया, तो तामीर कैसे शुरू करेंगे? मस्जिद की खुदाई के लिए तो सिर्फ कदालों और बेंचों की जरूरत होती है चौधरी जी। अरे लाखू, गोली उतार के उसके सर में, जिसके सर में अजान देने का ख्याल भी आए। क्या आप उठे हुए? वाह,
और तुम लोग भी जी भर के सुन लो आरफाना कलाम। लाखों क्यों जाने आ गए हम दो चारों की बातें को? मैं सुनू कोई अजान दे रहा और मैं देखू लाखों उसके सिर में गोली उठा जीत जाओ जी गाओ गाओ सुनो सुनो सूफियाना कलाम सुनो। क्यों कर गए मुस्कुराओ ना मुस्कुराओ ना बस मुस्कुराहट जो होती है ना ये सन्नाटे के खिलाफ बड़ा मौसर हथियार होती है। मुस्कुराओ मुस्कुराओ ना हाँ मुस्कुराओ डरो डरो मैं देखता हूं कौन सर में गोली उतारता है अजान मैं दूंगा। बोले तू अजान नहीं देगा तो दीवाना है ना चौधरी इसे भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चलो फिर मैं बताए मैं क्या करूंगा मैं हाँ एक मिनट मैं ना कनस्तर पीट पीट के ना लोगों को जगाऊंगा। हाँ मैं पीट पीट के कनस्तर लोगों को जगाऊंगा उन्हें भलाई की तरफ बुलाऊंगा। भला कैसे ऐसे मस्जिद की तामीर में हिस्सा लो हिस्सा लो मस्जिद की तामीर में मस्जिद की तामीर में दुनिया क्योंकि मेरी मां ने कहा था अच्छों से तो सभी प्यार करते हैं प्यार के असल मुस्तैद तो मंदे होते हैं। तुम मंदिया नाल निभा तो उनसे प्यार कर जिनसे कोई प्यार नहीं करता। विवाहित वजह थी नहीं एक वजह और थी वो ये कि मेरे मोहसिन शेख यूसुफ उनसे मैंने एक वादा किया था कि मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। ओए लाखू जीत जाओ जी गाओ गाओ सुनो सुनो सूफियाना कलाम सुनो। चुप क्यों कर गए मुस्कुराओ ना मुस्कुराओ ना बस मुस्कुराहट जो होती है ना ये सन्नाटे के खिलाफ बड़ा मौसर हथियार होती है। मुस्कुराओ मुस्कुराओ ना हाँ मुस्कुराओ
डरो डरो, मैं देखता हूं कौन सर में गोली उतारता है। अजान मैं दूंगा। नहीं, तू अजान नहीं देगा। तो दीवाना है ना, चौधरी इसे भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चलो फिर, मैं पता है मैं क्या करूंगा। मैं हाँ, एक मिनट, मैं ना कनस्तर पीट पीट के ना लोगों को जगाऊंगा। मैं पीट पीट के कनस्तर लोगों को जगाऊंगा, उन्हें भलाई की तरफ बुलाऊंगा। भला कैसे? ऐसे मस्जिद की तामीर में हिस्सा लो, हिस्सा लो। मस्जिद की तामीर में, मस्जिद की तामीर में। क्योंकि मेरी मां ने कहा था, अच्छों से तो सभी प्यार करते हैं, प्यार के असल मुस्तहिक तो मंदे होते हैं। तू मंदिया नाल निभा, तू उनसे प्यार कर जिनसे कोई प्यार नहीं करता। विवाहित वजह थी? नहीं, एक वजह और थी।